छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़ा आईडी ब्लास्ट किया था। इस ब्लास्ट में दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी और अब घटना के 3 दिन बाद नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने एक पत्र जारी किया है और पत्र जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ले गए, लूट के ले गए। दरभा डिवीजनल कमेटी के द्वारा जारी इस पत्र में यह कहा गया है कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व के बहाने आरएसएस के साथ मिलकर आदिवासी महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रही है, साथ ही इस इलाके के जल जंगल जमीन का सौदा कर रही है। बस्तर के खदानों को लगातार उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। अगर इस इलाके से केंद्र सरकार सीआरपीएफ के जवानों को वापस नहीं बुलाती तो आए दिन ऐसे हमले होते रहेंगे। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है। दरभा डिवीजनल कमेटी के सचिव साईनाथ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली।